मध्य प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री और किसान नेता स्वर्गीय सुभाष यादव की जयंती के अवसर पर उनके निवास बोराओं में आज सुबह से ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आना शुरू हो गया। हालांकि कोरोना गाइडलाइन को देखते हुए इस बार स्वर्गीय सुभाष यादव का जन्मदिन केवल परिवार के बीच में ही मनाया जा रहा है। मध्य प्रदेश के कद्दावर नेता और निमाड़ का गांधी कहे जाने वाले स्वर्गीय सुभाष यादव का जन्म खरगोन जिले के कसरावत तहसील में ग्राम बोरावा में 1 अप्रैल 1945 को किसान गंगाराम यादव के यहाँ हुआ था। छात्र जीवन से ही राजनीति में सक्रिय रहे। स्वर्गीय सुभाष यादव कांग्रेस के टिकट पर पहली बार जीतकर सांसद पहुंचे और अपने लोकसभा क्षेत्र में विकास की झड़ी लगा दी। अपने मेहनत और लगन से संपूर्ण निमाड़ क्षेत्र को सिंचाई के लिए नहरों की सौगात देकर निमाड़ के किसानों को संपन्न बनाया। साथ ही सहकारिता के क्षेत्र में भी अपनी अलग पहचान बनाई। तो वहीं शिक्षा के क्षेत्र में स्वर्गीय सुभाष यादव जी द्वारा बनाया गया JIT इंजीनियरिंग कॉलेज बोरावा मध्य प्रदेश में अपनी अलग पहचान रखता है। जन्मदिन के अवसर पर सुभाष यादव के छोटे पुत्र कसरावत विधायक सचिन यादव से SW24 न्यूज़ के कसरावत के संवाददाता अकील खान ने खास बातचीत की। लड़का गांधी, विकास पुरुष, गरीबों का मसीहा, इस सारे नाम जो है सुभाष यादव के पर्यायवाचक है। और सुभाष यादव गरीबों के हक के लिए अपनी सरकार के खिलाफ भी लड़ जाते थे। इतनी ताकत किसी नेता में देखी गई तो वो सुभाष यादव थे। और सुभाष यादव ने निमाड़ को देश प्रदेश ही नहीं विश्व में एक नई पहचान दिलाई थी। आज उन्हीं का जन्मदिन है और उनके सुपुत्र जो कसरावत विधायक है सचिन यादव जी जो हमारे साथ हैं, तो आइए उन्हीं से कुछ बात करते हैं कि सचिन जी, सुभाष यादव जी का नाम बहुत बड़ा था और अब उनकी विरासत आपके पास है, तो आप उस विरासत को कैसे आगे बढ़ाएंगे? लोगों में आपको लेकर के बहुत उम्मीदें हैं, लोगों ने आपसे बहुत उम्मीदें कर रखी, कैसे बढ़ाएंगे आप बताएं। देखिए, पिताजी का जो राजनीतिक जीवन रहा है, राजनीतिक सफर रहा है, उस सफर में उनका जो केंद्र बिंदु था वो गांव का गरीब किसान और मजदूर था। और अपने पूरे राजनीतिक जीवन में उन्होंने किसान, गरीब और मजदूर के उत्थान और कल्याण के लिए कार्य किए, योजनाएं चलाई। उनका सबसे बड़ा सपना हमारा ये जो निमाड़ अंचल है, ये एक सूखा क्षेत्र एक समय पर था। यहाँ का हमारा जो किसान है वो मेहनत कश होने के बावजूद पानी के अभाव में, सिंचाई के संसाधनों के अभाव में बड़ा दुखी हो चुका था, बहुत परेशान हो चुका था। और यहाँ पर बड़े पैमाने पर पलायन जैसी स्थिति जो है निर्मित हो गई थी। जब पिताजी को अवसर मिला, यहाँ से सांसद चुन करके गए, तो सबसे पहले उन्होंने उस सपने को साकार करने की दिशा में पहल किया। और माँ नर्मदा की नहरें हमारे गरीब किसानों के खेतों में पहुंचे, उसलिए उन्होंने कार्य किया। और आज लगभग वो सपना जो है उनका साकार हो चुका है। और आज माँ नर्मदा के आशीर्वाद से, पिताजी के आशीर्वाद से हमारा क्षेत्र का जो किसान है उन्नति और तरक्की की दिशा में अग्रसर हो रहा है। अब उन्होंने साथ ही साथ हमारा गांव का गरीब का किसान का बेटा, मजदूर का बेटा पढ़ाई करे, आगे बढ़े, उच्च शिक्षा ग्रहण करे, उसके लिए उन्होंने कई शिक्षा संस्थानों की स्थापना करी। चाहे वो इंजीनियरिंग कॉलेज की बात करें, चाहे वो हम फार्मेसी कॉलेज की बात करें, चाहे हम BEd DEd कॉलेज की बात करें, ऐसी तमाम कॉलेजों की स्थापना जो है उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में करने का प्रयास किया। और उसी का परिणाम है कि आज हमारे जहाँ एक समय पूरे निमाड़ अंचल से 2 या 4 इंजीनियर बड़ी मुश्किल से निकलते थे, आज बड़ी संख्या में हमारे इंजीनियर निकल रहे हैं। फार्मेसी से हमारे बच्चे पढ़ के निकल रहे हैं, बड़े संख्या में जो है हमारे बच्चे BEd DEd करके शिक्षा के क्षेत्र में जो है आगे जा रहे हैं। हमारे यहाँ के बच्चे जो हैं, गरीब का बेटा जो है आज NASA जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों में अपना योगदान दे रहा है, इंफोसिस और TCS जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज में अपनी सेवाएं देने का काम कर रहा है और अपने परिवार की आर्थिक तरक्की में जो है अपनी भूमिका निभा रहा है। तो ये काम स्वर्गीय पिताजी के हैं, क्षेत्र की जनता के आशीर्वाद से और पिताजी के आशीर्वाद से मुझे दूसरी बार यहाँ पर क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला। और हमारा वही जो हमारी भी राजनीतिक जीवन का वही केंद्र बिंदु है, किसान, गरीब और मजदूर। और जब सबके आशीर्वाद से हमारी प्रदेश में हमारी सरकार बनी, तो हमारे जो
किसान हैं जो लगभग पूर्व की सरकारों की भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के की गलत नीतियों के कारण जो कर्ज के दलदल में फंसा हुआ था, हमें अवसर मिला और हमारे मुख्यमंत्री हमारे नेता आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में हम लोगों ने प्रदेश ही नहीं बल्कि देश का सबसे ऐतिहासिक ऋण माफी का कार्यक्रम हमने चलाने का काम करा। और इस ऋण माफी के कार्यक्रम में हमने मध्य प्रदेश के लगभग 27 लाख किसानों के लगभग 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की ऋण माफी करने का काम हमने करा। और यही नहीं, हमारी सरकार की ये सोच थी कि हमारे जो किसान हैं, देखने में आता है कि हमारे इस महंगाई के दौर में हमारे किसानों की जो लागत मूल्य है वो लागत मूल्य लगातार बढ़ती जा रही है और उसके एवज में जो है उसकी फसल के उचित मूल्य उचित दाम नहीं मिल पा रहे थे। तो हमने उस दिशा में हमारी सरकार ने पहल किया और हमने किसानों को सस्ती बिजली मिले इसलिए हमने किसानों की बिजली के बिलों को अदा करने का काम किया। कृषि में उपयोग आने वाले जितने भी कृषि उपकरण थे उस कृषि उपकरणों की सब्सिडी हमने बढ़ा करके 50% करने का काम हमारी सरकार ने करा। तो ऐसे तमाम काम हमने हमारी सरकार के दौरान करे, हमने उन तमाम लोगों के ऊपर नकले कसने का काम किया जो हमारे किसानों को अमानक स्तर का आदान प्रदाय करने का काम करते थे और उनको जो है ऋण के दलदल में फंसाने के लिए भी वो लोग जिम्मेदार होते थे। तो ये सारे काम जो है हमने हमारी सरकार के दौरान करे और मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी योजना पे हमने काम किया था, निमरानी सामूहिक नल जल योजना, जिसमें लगभग क्षेत्र के 120 से अधिक जो गांव हैं उन गांवों के लगभग 200 करोड़ रुपए से अधिक की जो है हमने पेयजल योजना हमने मंजूरी की तरफ हम लोग आगे बढ़े थे। हमारे सरकार के दौरान उस निमरानी सामूहिक नल जल योजना का हमने टेंडर कराए थे, उसकी निविदाएं हमने आमंत्रित करी थी और बजट का प्रोविजन हम लोगों ने करा था, लेकिन जो राजनीतिक घटनाक्रम चला उसके कारण जो है वो योजना हमारी अधर में लटक गई है। और उस योजना के माध्यम से जिस प्रकार से पिताजी ने मां नर्मदा के पानी को किसानों के गरीबों को खेतों में पहुंचाने का काम किया था, उसी प्रकार से हम उस योजना के माध्यम से मां नर्मदा के जल को हम हमारे इस क्षेत्र के नागरिकों के घरों में पहुंचाने का काम हम लोग करने वाले थे और उनकी जो प्यास है उस प्यास को बुझाने का काम हमें योजना के माध्यम से करने वाले। निश्चित रूप से आपका विकास कार्य की बड़ी लंबी फहरिस्त है, लेकिन सुभाष यादव जी के बारे में बताऊंगा कि एक बड़ा नाम था, विपक्ष भी उनके नाम सम्मान से लेता था और उन्होंने कभी पद के भूखे नहीं रहे, वो कभी जनता की भलाई के लिए अपनी ही सरकार के खिलाफ भी आए। तो आज चूंकि हम जानते हैं आप सत्ता से बाहर हैं, लेकिन आज भी जनता आपकी ओर बड़ी उम्मीदों से देख रही है, तो उस रूप में आप क्या कुछ काम करना जा रहे हैं? देखिए, निश्चित रूप से जब जब किसान की बात आएगी, गरीब मजदूर की बात की आएगी, उसके विकास और उन्नति तरक्की की बात आएगी, कांग्रेस पार्टी हमारे तमाम साथी जो है उनके साथ में हमेशा खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। और जब जब उनके ऊपर अन्याय अत्याचार होगा कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत के साथ जो है ना सिर्फ विपक्ष की भूमिका निभाने का काम करेगा बल्कि अपने दायित्व और अपनी जिम्मेदारी को का जो एहसास हम सब साथियों को है उसको भी हम लोग पूर्ण रूप से निभा करने का काम हम लोग करेंगे। सर, SW न्यूज के लिए कितने समय निकालने के लिए आपका धन्यवाद और आगे भी हम उम्मीद करते हैं कि आप क्षेत्र की जनता के इरादों पर खड़े उतरे और एक बार फिर सुभाष यादव जी की जन्मदिन के लिए हार्दिक शुभकामनाएं बधाई आप। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।